केंद्र सरकार द्वारा 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत गरीब परिवारों को 5 लाख तक का सालाना इलाज मुफ्त मिलता है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भव अभियान शुरू किया जा रहा है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अम्बाला शहर नागरिक अस्पताल में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अम्बाला के विधायक असीम गोयल ने शिरकत की। विधायक असीम गोयल ने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जहां 3 लाख तक की इनकम वाले परिवारों को भी 1500 रुपए सालाना भरकर अपना आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। देखिए, आज हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदय आयुष्मान भव की एक नई योजना लॉन्च कर रहे हैं, जो जिनके आयुष्मान कार्ड पहले बने हुए हैं उनके पूरे स्वास्थ्य की पूरी जानकारी और एक आभा योजना, जिसको हम कह सकते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, उसकी मरीज़ की सारी बीमारी का डाटा जो है सरकार के पास रहेगा और किस प्रकार की उसको ज़रूरत है, किस प्रकार की उसको दिक्कत है, और मॉनिटरिंग हमेशा सरकार के माध्यम से रहेगी। आज उस योजना का लॉन्च हो रहा है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति मोदी जी दोनों को बधाई दूंगा, उनका धन्यवाद भी करूंगा। और आज एक और योजना हरियाणा अपने स्तर पर, जो पूरे भारत में शायद कहीं नहीं है, पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जिसने इसका दायरा बढ़ाया है 1.80 से 3 लाख रुपए जो करने की बात है, और जिसकी पहले मंथली इनकम 15,000 से कम होती थी उसको लाभ मिलता था, जिसकी मंथली इनकम 25,000 से कम होगी उसको लाभ मिल पाएगा। 3 लाख का जो दायरा आज बढ़ा है, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भव अभियान के तहत बचे हुए लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का हेल्थ आईडी कार्ड बनाना और गांव शहर में स्वास्थ्य मेला लगाना इस योजना का लक्ष्य है। जो आयुष्मान भव योजना है, जो माननीय राष्ट्रपति महोदय आज जिन्होंने इनॉग्रेट किया है इसको, उसमें हम जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच हेल्थ की लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे हर एक प्रोग्राम को कवर किया जाएगा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, यानी कि जो गैर संचारी रोग होते हैं वो, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो संचारी रोग होते हैं, आयुष्मान कार्ड जनरेशन, आभा आईडी जनरेशन, टीबी उन्मूलन, लोगों का हेल्थ चेकअप, जो भी आप हेल्थ का प्रोग्राम आपके आपको पता है वो सब हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल हेल्थ, एवरीथिंग। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 100% लोगों का आयुष्मान कार्ड जनरेट करना जो कि बेनिफिशियरी हैं। जैसे कि आपको पता है कि SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के लाभार्थी जो थे, उनके कईयों के कार्ड नहीं बन पा रहे थे क्योंकि कुछ गलत एंट्रीज थी या कुछ लोग मिसिंग थे। तो हरियाणा सरकार ने 2022 में इस योजना का विस्तार किया और 1,80,000 जिन लोगों की इनकम थी उनको इसमें, अंत्योदय परिवारों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इंक्लूड किया। अभी 2023 में हरियाणा ने एक अपने इस लेवल का नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कि हमने ये जो इनकम लेवल है वो 1,80,000 से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। इसमें लाभार्थी को सिर्फ प्रति परिवार 1500 रुपये एज एन इंश्योरेंस देना है और पूरा परिवार 5 लाख रुपये में आयुष्मान भारत की योजना के तहत कवर हो जाएगा। दूसरा इसका कंपोनेंट है आभा आईडी। आभा आईडी इज़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव है, जिसमें उन्होंने देश के प्रति नागरिक को एक आभा आईडी देने की बात कही है, जिसमें उसका हर तरह का हेल्थ अकाउंट, हेल्थ डिटेल्स उसमें अवेलेबल होंगी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस दौरान हम ये आभा आईडीज़ का भी जो है वो 100% जनता को, पॉपुलेशन को कवर करेंगे। तीसरा इसमें कंपोनेंट है हेल्थ मेलास। हेल्थ मेला सरकार की तरफ से आदेश थे कि शनिवार और इतवार वाले दिन जाके जो है गांव में हमारे डॉक्टर्स कैंप लगाएंगे और ये सब चीज़ों का जो भी मैं अभी आपको पहले विस्तार से बता के हटा हूँ कवर की जाएंगी, जैसे कि आयुष्मान कार्ड, आभा का, टीबी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीजेज, मैटरनल हेल्थ। तो हमने एक अपने लेवल पर एक डिसीज़न लिया है कि हम प्रतिदिन अलग अलग गांव में जाकर इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, ताकि हम जो हमारे वर्दी ACS मैम हैं जिन्होंने 15 नवंबर का टारगेट हमें कार्ड बनाने का दिया है, हम उस पर उससे पहले उसको पूरा कर सकें।
खैर इस योजना के तहत जहां कैंप लगाकर लोगों की जांच की जाएगी, वहीं आयुष्मान भव अभियान के तहत बचे हुए लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे ताकि लोगों को मुफ्त इलाज मिल सके और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।